बीजेपी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण भारत में कंपनियों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1,76,000 करोड़ रुपए लिए हैं। सरकार ने इतनी बड़ी रकम किस लिए ली है, यह कुछ ही दिनों में पता चलेगा। फिलहाल यह चर्चा की जा रही है कि सरकार यह पैसा बैंकों में डालेगी, लेकिन इससे जिन कामगारों की नौकरियां गई है, क्या उन्हें फिर से वह नौकरी मिलेगी, यह सवाल नौकरी खोए कामगार पूछ रहे हैं। जब भी देश का मेनस्ट्रीम मीडिया कोई एक ही भाषा बोलना शुरू कर देता है, तब शक सा पैदा होता है। मेनस्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक मंदी की चर्चा कर रहा है। ऑटो सेक्टर, रियल इस्टेट, टेक्सटाइल सेक्टर आदि में मंदी की खबरें आ रही है। खबरों के अनुसार विविध कंपनियों ने उत्पादन किया उत्पाद बाजार में है, लेकिन उसे खरीदा नहीं जा रहा है। इससे कंपनियों की आमदनी पर असर हो रहा है, जिसके चलते कंपनियों को नया उत्पादन और कामगारों की तनख्वाह करना मुश्किल जा रहा है। बाजार में वस्तुएं न खरीदे जाने की कुछ वजह यह बताई जा रही है कि लोगों के पास उन चीजों को खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरा यह भी बताया जा रहा है कि लोगों के पास खरीदने के लिए आवश्यक धन नहीं है। लोगों के पास धन की कमी के दो कारण हो सकते हैं। एक तो लोगों की उतनी आमदनी नहीं है, दूसरा जिनके पास धन है उन्होंने उनका धन किसी और जगह लगाया है। जो कुछ भी हो, इसका असर इस देश की आर्थिक व्यवस्था पर हो रहा है। यह सभी को पता चल रहा है कि ऑटोमोबाइल में काम करने वालों की नौकरियां लगातार जा रही है। अब देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने 3,000 अस्थायी कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है। कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव की माने तो ऑटो इंडस्ट्री में मंदी की वजह से ऐसा किया गया। ऑटो मैन्युफैक्चर संगठन सियाम के अनुसार मंदी के कारण ऑटो कंपनियां अब तक करीब 20,000 लोगों को नौकरी से निकाल चुकी है। बीते सप्ताह करीब 13,00,000 लोगों की नौकरी आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएनटी न्यूज नेटवर्क। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एमएनटी न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।